नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते महासंकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी है। बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने आदेश दिया कि दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। आदेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है तो उसे भी मास्क पहनना होगा। अदालत का कहना है कि अगर कोई वाहन चाहे उसमें एक ही व्यक्ति बैठा हो, वह भी एक पब्लिक प्लेस ही है, ऐसे में मास्क पहनना अनिवार्य है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस का संकट बेकाबू हो चला। बीते दिन ही दिल्ली में कुल 5100 कोरोना के केस दर्ज किए गए, जो पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही कारण है कि दिल्ली में सख्ती बढ़ गई है। दिल्ली में इससे पहले भी मास्क पहनने को लेकर सख्ती बरती गई थी। मास्क न पहनने वालों के चालान काटे गए थे, जबकि गाड़ी में भी मास्क की चेकिंग हो रही थी। हालांकि लॉकडाउन के हटने के बाद लोगों में मास्क के प्रति लापरवाही देखने को मिली है। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।